इतना पैसा बैठते थे कि आप इतनी इबादत करते इतनी इबादत करते, आप बीबी आयशा फरमाती हैं कि आपके पैरों में भर रहा था और इतना हुजूर रोती इतना रोती कि जो आपकी दाढ़ी मुबारक पर हो जाती। अशआर में शायर लिखता ना चैन दिल को ना तो सोए, हमेशा हमने हमारे रो खुदा को छोड़े ना हमको छोड़े, दुरूद तुम पर सलामत हो। तो हाजिर निकराम जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबाए किराम कैसा देखो आपका कैसा ताल्लुक था। रमजान जब भी आता रमजान से पहले शव्वाल आना तो जो है शाहज रजब आना तो उसी वक्त से जो है सहाबाए किराम सल्फ सालहीन और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि रमजान की तैयारी करते। अब आप बताइए रमजान क्या है, रमजान क्या है बस क्या हुआ अलबत्ता माह रमजान हो रहा अलबत्ता बताइए। तो लिहाजा जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक है खास तौर पर जो है जो इतिका बैठ रहे हैं तो आप जो इतिका बैठे हुए हैं एक शेड्यूल बनाइए, शेड्यूल मैं बना चुका हूँ आपके, मगर आप भी अपना शेड्यूल कि यहाँ सोने का वक्त है जहाँ सोए एक लिमिटेड वक्त सोने के मुतल्लिक करिए। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार जो है फजर में आप फजर में फजर की नमाज हुई आपका दरस कुरान हुआ उसके बाद जो है आप क्या करना है आपको आपका जिक्र इंडिविजुअल जिक्र वगैरह करना है ठीक है ना। जिक्र उसमें करके आप जो है इशराक की नमाज और चाश की नमाज पढ़े वहाँ से थोड़ा आराम कर लीजिए। शेड्यूल में बना भेजा था आप भेजना शेड्यूल सात साढ़े सात तक उसके बाद फिर जो है आप थोड़ा आराम कर लीजिए। सात बजे से साढ़े ग्यारह तक आप आराम कर लिए उसके बाद साढ़े ग्यारह को उठे तो आप साढ़े ग्यारह के बाद फ्रेश वगैरह हो गए और बस से बारह से एक बजे तक आप जो है जिक्र उसका या कुरान की तिलावत फिर एक बजे से दो बजे तक नमाज की तैयारी इंशाल्लाह दो बजे से तीन बजे तक एक दरस रखो अपने इंशाल्लाह तक इनका कोशिश करूँगा आने की है इंशाल्लाह नहीं है कि आप दुआ करें कि तोहफे से दूसरी मसूलियत बहुत ज़्यादा है तो इस बिना पर अगर मैं आ गया तो इंशाल्लाह उस वक्त जो है तजवीद की क्लास और नमाज का तरीका और जो है अपने मसाइल इंशाल्लाह उसमें सीखेंगे। इसके अलावा जो है आपके चार बजे तक हो गया तो आप चार बजे के बाद थोड़ा आराम कर लीजिए, दो से तीन तीन बजे से आप थोड़ा आराम कर लीजिए, आराम कर लीजिए असर से पहले तक उसके बाद फिर असर की तैयारी फिर असर के बाद जो है दुरूद का दस्तर जिक्र अस्कार वगैरह जो भी है फिर इफ्तार इफ्तार के बाद जो है इफ्तार की नमाज इफ्तार हो गया नमाज हो गई नमाज मगरिब के बाद अवामीन अवामीन के बाद सूर्य वाकिया की तिलावत करिए। मोहतरम हाज़रीन इकराम सूर्य वाकिया की बड़ी फजीलत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो सूर्य वाकिया की तिलावत करता है तो वो कभी जो है फाका नहीं रहता वो कभी गुरबत में नहीं जाता। हुजूर हदीस बता रहे ये रिवायत में आता है उस्मान अली रज़ी अल्लाह तआला एक सहाबी के पास आए फरमाते हैं कि आपके चार लड़कियां हैं मैं आपको कुछ जो है बतौर तोहफा देना चाह रहा हूँ आप रख लीजिए कुछ पैसे वगैरह। तो फरमाया कि उस्मान जरूरत नहीं है मेरे पैसों की कोई पैसों की जरूरत नहीं है। फरमाया बच्ची वाले देख होता